केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। केरल के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सुजीत को कुछ हमलावरों ने उनके घर में घुसकर बुरी तरीके से पीटा, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। 27 वर्षीय सुजीत पप्पीनेसेरी के नजदीक अरोली आजाद कॉलोनी के निवासी थे। जिले के ही पंचायत सदस्य वेणुगोपाल के घर पर भी मंगलवार सुबह हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 10 लोग सोमवार को देर रात आरएसएस कार्यकर्ता सुजीत के घर में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया। जब सुजीत के परिवार वालों ने हमलावरों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने सुजीत के माँ बाप और भाई को भी पीटा। हालांकि सुजीत को जल्द से जल्द स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। जिले के बीजेपी और आरएसएस सदस्यों ने इस घटना के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ बताया। हालांकि लेफ्ट के नेताओं ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कुछ सीपीएम नेताओं को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। केरल में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, तभी तो कन्नूर जिले के पप्पीनेसेरी में अज्ञात लोगों ने आरएसएस कार्यकर्ता की घर में घुसकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गौरतलब है कि साल 2013 दिसंबर में कन्नूर जिले में ही सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य घायल हो गए थे। ऐसे में सुजीत की मौत ने एक बार फिर से सीपीएम कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और केरल की कानून व्यवस्था पर भी।